तो दोस्तों आज थोड़ी सी बात करने वाला हूँ भाई, रिसेंटली क्या सिचुएशन हो गया मार्केट में, क्या इंटरनेट पे बोल सकते हो तहलका समझ गया भाई, जब से ये सिम वालों ने फिर से अपने प्राइस बढ़ा लिए। मतलब कुछ ही दिन तो बीते थे भाई जहाँ पे प्राइस अपने इंक्रीज हुए थे, और यहाँ फिर से मतलब ये नाटक शाटक चल रहा है, कब तक चलेगा और क्या है इसका एक जुगाड़ मेरे पास अच्छा है आप सबके लिए, जो पूरी तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व किया, खत्म करके फेंक ही देगा, मतलब आपका काम आज हो जाएगा समझ लो। तो आज यार इसी पे थोड़ी बात करने वाले, बाकी स्वागत है आप सभी का एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। देखो भाई ये चीज़ मैं बोल सकता हूँ, एक टाइम अच्छा था, एक फेज था, बोला जाए तो एक काफ़ी लंबा फेज था भाई वो, जहाँ पे यार जो अपने यार ये जो है ना सिम कार्ड वाले एयरटेल हो गए, ये सब जितने भी सर्विस प्रोवाइडर थे, ये सब यार आप सिम ले लो, सिम के बाद आप रिचार्ज नहीं करवाते थे लोग दो दो तीन तीन साल तक, मतलब सिम आप एक बार ले लोगे उसमें रिचार्ज कराओ यूज़ करो वो नहीं। फिर एक टाइम ऐसा आया जब इन्होंने मैंडेटरी कर दिया 28 दिन वैलिडिटी वाला, फिर अब तो ऐसा टाइम आ गया जब इन्होंने प्राइस बढ़ा दिया। ये प्राइस वाला तो सीन मेरे को लगता है बहुत रिसेंटली हुआ था, और ये फिर से ये समय आ गया अभी 3-4 दिन ही तो बीते हैं जहाँ प्राइस फिर से इंक्रीज हो गया, और यही चलता रहा तो फ्यूचर में और करेंगे। बेसिकली यार ये लोग अपनी सर्विस जो है ना उसको अच्छा बनाना चाहते हो। देखते हो यार 5G आने वाला है, 5G फोन्स आ गए पर 4G नेटवर्क अभी भी बहुत सारे क्षेत्रों में तो है ही नहीं, तो समझ सकते हो इनको इंप्रूवमेंट की क्या जरूरत है, तो अब लोगों से ही पैसे लेंगे। एक जियो को मेरे को लगता है अभी छोड़ के बाकी सब में ने प्राइस तो इंक्रीज कर दिए। अच्छा ये प्राइस ऐसे वैसे भी नहीं भाई, अब 100-100 रुपए हो चुके हैं वैलिडिटी के ही, तो मतलब एक बोल सकते हो अच्छा बजट आपको रखना पड़ेगा। 3-4 सिम जिसके पास है हालत खराब हो सकती है भाई, तो ये थोड़ा रहता है रिचार्ज विचार्ज का, इसका सॉल्यूशन एक अच्छा हो सकता है। देखो सबसे बेकार बात क्या है ना यार सिम विम के साथ, देखो आप इतना रिचार्ज करवा भी रहे हो उसके बावजूद आपको यार कोई सब्सक्रिप्शन नहीं मिलती, कोई एक्स्ट्रा फैसिलिटी नहीं मिलती है, इवन डेटा इज आल्सो यार वेरी लिमिटेड। मतलब आपको गेम डाउनलोड करनी है 100 GB की, तो आप यार अपने फोन की नेट पे यार ये भरोसा नहीं कर सकते वो इतना करे, समझ रहे हो ना, दिक्कत होती है। मतलब एक लॉन्ग टर्म में आपको करना पड़ेगा, मतलब 1-2 हफ्ते लगाने पड़ेंगे। वही चीज़ यार वाईफाई रहे तो क्या बात रहेगी। यस यार आज मैं आपसे थोड़ी वही बात करने वाला हूँ। वाईफाई वैसे 300 रुपये से भी आ सकता है, आपको ये बात जान के हैरानी होगी, तो बिल्कुल। अब वाईफाई का क्या है ना सबसे बढ़िया यार, घर में कहीं पर भी रख दिया सारे फोन कनेक्ट, जिसके भी फोन आ रहे हैं लाओ भाई कनेक्ट कर देते हैं, उसके साथ यार आपको इंटरनेट स्पीड थोड़ी फास्ट मिलती है और अनलिमिटेड मिलती है। या मैं आपको यार सीधे बात बताता हूँ यहाँ पे क्या स्कीम चल रहा है इस समय मार्केट में, मैं अपने एरिया के हिसाब से बना रहा हूँ, मेजरली यही होता है यार। अगर आप बोल सकते हो मेट्रो सिटीज़ में तो यही है, थोड़ा विलेज एरिया में शायद ये इसका प्राइस अब हो सकता है क्योंकि यार वहाँ पे यार सर्विस भी कम हो रही है ना। तो यहाँ क्या है ना यार देखो, यहाँ जितने भी लोग प्रोवाइड करते हैं ना तीन फेज में मैं बोल सकता हूँ, एक तो लोकल होते हैं, लोकल वाले यार समझ ही जा सकते हो आप यार, जो यार इंटरनेट प्रोवाइड कर रहे हैं साथ ही साथ आपको यार डिश विश ये सब भी कर रहे हैं, और उसी के साथ यार आपको एक मिलते हैं फाइबर वाले, तो फाइबर वालों पर बाद में आते हैं, पहले मैं लोकल की बात कर लूँ। लोकल कभी भी बेकार नहीं होता मैं ये बता देता हूँ, हाँ लोकेलिटी के हिसाब से यार बेकार हो सकता है। जैसे मेरे लोकेलिटी में जो था वो इतना खास नहीं था, मतलब बोल सकते हो दिन में 2-3 घंटे तो कट ही जाता था, पता नहीं क्या करते थे भाई, हमेशा ये रेगुलर होता था, तो इस कारण मैंने खुद चेंज किया। इवन आप आई बटन पर वीडियो देख सकते हैं, मैंने एयरटेल में ट्रांसफर इसलिए ही किया था, वरना मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मेरे को स्पीड का इतना मैटर भी नहीं था, अभी तो यार अपलोड अपलोड करनी थी, गेम डाउनलोड करनी थी, थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लग जाएगा तो क्या जाएगा, पर ये जो एकदम काट देते थे ना बीच में बड़ी दिक्कत है भाई, तो ये था यार लोकल में, और बहुत लोगों को ये दिक्कत आती है आज की डेट में। तो लोकल आप ले सकते हो यार 300-400 में से आराम से आ जाता है। इवन आप वाईफाई नहीं लोगे ना, डायरेक्टली इथरनेट केबल वो आपके यार पीसी में लगा देंगे, और उससे आपका पीसी जो है अनलिमिटेड बन जाएगा, उसमें वाईफाई नहीं लगेगा, डायरेक्टली इथरनेट वो अपने वहाँ से लेके आके आप में लगा देंगे तो वो पीसी में, ठीक है, तो वहाँ से 300-400 का आपका यार बन जाएगा और उस हिसाब से आप पीसी यूज़ कर पाओगे। यही अगर यार आप थोड़ा सा पैसे खर्च करके अच्छे नेट पे आते हो, जो मेरे को यार प्रेफरेबल है आपकी तरफ मेरी तरफ से, यहाँ पे आप फाइबर ऑप्टिक्स पे आ सकते हो। फाइबर हाँ वही बिल्कुल लाइट की स्पीड से आपका डेटा ट्रांसफर, समझ रहे हो ना, लाइट की स्पीड या नेक्स्ट ही लेवल, 3×10^8 की बात कर रहे हैं हम लोग, तो उस स्पीड से ट्रांसफर होगा तो बात हो ही जाती है ऊपर नीचे की, तो फाइबर की यार अलग ही बात है। तो यहाँ पे दो मेजर कंपनीज है यार, एयरटेल और एक है जियो। अब मैं जियो के बारे में इतना नहीं जानता क्योंकि मेरे पास ना जियो का नंबर है ना ही जियो का यार जियो फाइबर, मैं एयरटेल है उसके बारे में बता सकता हूँ। हाँ जियो की थोड़ी यार मैंने रेटिंग सुनी है क्योंकि मेरे दोस्तों के पास है, बोलते हैं 100 Mbps का अगर आपने रिचार्ज करवाया है, ऐसे नहीं बोलते हैं मेरे को, बताते हैं यार 100 Mbps का रिचार्ज हुआ है भाई तेरा, तो यहाँ पे यार स्पीड कुछ 90-95 ऐसे ही रहती है। एयरटेल के साथ सीन ही अलग है बिल्कुल, मैं आपको यार इवन प्रेफर करूँगा एयरटेल पर आप जा सकते हो। जियो वाले जितने भी भाई होंगे वो जरूर कमेंट में बताना है क्या स्पीड मिल रही है। एयरटेल का तो मैं आपको सीधा बताता हूँ भाई, 100 Mbps का मैंने प्लान ले रखा है, 3 महीने पर रिचार्ज करा लेता हूँ, 2800 के आसपास का बिल है इसका कुछ है ना, और इतना ही आता है, और ये 100 नहीं मिलता है भाई, 100 का यार डबल भी कर दो उतना भी नहीं, ट्रिपल कर दो उतना भी नहीं, 4 times तो मिल रहा है भाई डाउनलोड स्पीड, और 7-8 times मिल रहा है अपलोड स्पीड। यस मैं यार ये आपको टेस्ट करके बता रहा हूँ, और ये रियल है भाई, 1 Gbps की स्पीड का एक बोल सकते हो तगड़ा यहाँ पे मिल रहा है मेरे को। 100 Mbps स्पीड यार नॉर्मली मिलती नहीं है 100 के अंदर, और 700 यार डाउनलोड की, तभी बोलते हैं यार अपलोड तो
समझ रहे हो ना, नेक्स्ट लेवल चीज। तो यार बोल सकते हो एयरटेल में थोड़ा ज्यादा देते हैं, क्या यार इन्हें पसंद वसंद आता, उड़ाते हैं नेट तो उड़ा दो भाई, आदमी उड़ जाए, ऐसा सिचुएशन है भाई इनके नेट के साथ। तो बोल सकते हो यार एयरटेल थोड़ा प्रेफरेबल रहेगा यहाँ पे। हाँ ये एक सोल्यूशन हो सकता है भाई आपके यार प्रॉब्लम का। बाकी नंबर रखते हो तब तो यार थोड़ा सा रहता है ना, हर नंबर को थोड़ा बहुत 100-100 रुपए का भी तो कराना पड़ेगा, थोड़ा नेट भी रखना पड़ेगा, आजकल तो ऑनलाइन पेमेंट का ही जमाना है, क्यों सही बात नहीं। तो बाकी हाँ इस वीडियो में इतना यार, सोचा कुछ बताया जाए आपको, और बाकी इस वीडियो में इतना। पसंद है तो बिल्कुल लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब आप ही के लिए, तोड़ के मचोड़ के फेंक दो, खत्म खत्म। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो देख ले भाई यार, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।